हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपल सरकार। मैं पहले एक यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाला हुआ है। एक है इंडिफरेंस कॉम्प्लेंस डस नॉट, और एक डाला हुआ है इंडिफरेंस सफरिंग। तो क्या हुआ, इंडिफरेंस सफरिंग में एक दोस्त ने मुझे कमेंट की, सर इंडिफरेंस सफरिंग बिटवीन फ्रिवोलस को आप थोड़ी से समझाए। देखिए, हर व्यक्ति को इंडिफरेंस अलग अलग होती है, हर व्यक्ति को फिबुलस अलग अलग होती है। इंडिफरेंस क्या होती है, पहले वो डिफरेंस रहती थी, हर किसी को हर चीज को अच्छी तरह से देखभाल करता था। देखा जाए तो परिवार के लिए, बच्चे के लिए, बाउस का बिजनेस के लिए, हर चीज को वो अच्छे ढंग से निभाता था। लेकिन अब क्या हुआ, उसको प्रॉब्लम को लेकर इनडिफरेंस हो गया। इस तरह का रोगी, इस तरह का पेशेंट हम लोगों के पास आती है। इनडिफरेंस में कैरी नहीं होना चाहती, इसको पीछे कोई ना कोई बाधा होती है। इंडिफरेंस जब हम लोग एरुब्लिक को यूज करेंगे, पेशेंट कोई ना कोई कारण जरूर बताए। फ्रिवोलस में क्या होती है, इसको कोई कारण नहीं बताए। उसको पूछा जाए फ्रिवोलस पेशेंट को, जब इतना दिन हो गया, इतना बुखार बा इतना काशी क्यों नहीं आया, तो देखा जाए जे फिबुलस पेशेंट बा व्यक्ति क्या करता है, ऐसे ही नहीं आया, क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता, तो डॉक्टर को क्यों दिखाऊं। ये हुआ फिबुलस में सर, पुलिस बिहेवियर, सिली बिहेवियर, मैथमेटिक्स इनएबिलिटी पर, उसका इतना तेज काशी हो रहा है, उसका इतना तेज बुखार हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कोई भी डिजीज हो सकता है, जिससे और लोग परेशान में है, उसको देखकर अरे तेरा ये हालत हुआ, तेरा ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन फिबुलस व्यक्ति क्या करेगा, अरे छोड़ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मैं तो खुश हूं, क्यों जाऊं डॉक्टर के पास, वो पानी हीट करके थोड़ी सी लगा लोगे, खा लोगे, ठीक हो जाएगा। ये कोई चीज को उतना ध्यान नहीं देता, हल्का फुल्का से लेती है फिबुलस में। ठीक है, गंभीरता में ये नहीं रहना चाहती है। गंभीर माने कोई चीज को गंभीरता समझ कर नहीं रहता। ठीक है, और इनडिफरेंस में क्या होती है, जब पेशेंट इनडिफरेंस वाला आएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि उसको पूछा जाए जब तुम इतना दिन हो गया क्यों ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इनडिफरेंस व्यक्ति ये भी कह सकता है, डॉक्टर साहब इतना दिन हो गया ठीक है, लेकिन मैं सहन कर सकता था। अब क्या हुआ, सहन नहीं कर सकता, और ज्यादा बढ़ गया, तो और ज्यादा बढ़ जाए तो हम तो परेशान में पड़ जाएंगे, हमको बिजनेस में घाटा लग सकता है, घर का काम नहीं कर सकता है। ये इनडिफरेंस वाला कोई ना कोई जरूर आपको कारण देगा। और फ्रिवोलस बंदा को आप पूछिए, वो बोलेगा ऐसे ही नहीं आया, क्यों डॉक्टर को दिखा लो, ये वेल्थ में रहती है, मस्ती में रहती है। ठीक है, आप देखा जाए, देखिए हम लोगों के पास एक रूप लिखे इनडिफरेंस रिकवरी
उसमें क्या होता है, उसको जो इंडिफरेंस रहने का तरीका है, वो जो मेन डिजीज है, देखा जाए तो उसको किडनी का स्टोन है बा और बीमारी ज्यादा परेशानी पहले से हो रहा था, उसमें वो कोई ध्यान नहीं दिया। अभी क्या हुआ, उसका घर में कोई शादी हो रहा है बा उसका घर में कोई अनुष्ठान हो रहा है, देखा जाए उसका पैरों में दर्द हुआ अचानक, उससे उससे दिक्कतें होने लगी, तब ये इंडिफरेंस इस तरह ये माने रहते थे, उसको लेकर कोई ट्रीटमेंट नहीं की। आप शादी आने वाला है, आप कैसे चल पाएगा, बच्चा को परीक्षा है, उसको देखभाल करना चाहिए, तो आप उसको जो एक्यूट कंडीशन आ जाएगा, तो क्या कहती है डॉक्टर साहब मुझे ये 2 दिन में ठीक करना चाहिए क्योंकि मेरा घर में शादी है और जो किडनी में स्टोन है बा और कोई तकलीफ हो सकती है, बड़ा सा तकलीफ हो सकता है, वो छोड़ के वो एक्यूट जो कंडीशन है इससे वो रिलीफ होना चाहते हैं। तो आप जब पूछेगा तो उसको लेकर आप वो छोड़ दीजिए। इंडिफरेंस व्यक्ति पहले एक्टिव रहता था हर चीज को लेकर, फैमिली को लेकर, बच्चे को लेकर, हर एक्टिव व्यक्ति, हर देखभाल, एंग्जाइटी आदर्स, एंग्जाइटी केयरफुल, माने हर चीज को वो पहले देखभाल करते रहते थे। अब क्या हुआ, आप सीपीआर कोई देख लीजिए, फेयर सोशल पोजीशन, ये घर वालों के ये समाज में एक स्थान बना के रखती है, जब घर वालों को, बच्चे को और सारे मेंबर्स को अच्छी तरह से देखभाल करती है, फैमिली का हर काम वो कर लेती थी, लेकिन एक टाइम क्या होती है वो इंडिफरेंस में चला जाता है। इसको हर किसी को लेकर मैंने इतना तकलीफ सही, इतना माने काम किया, आज कोई मेरा एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर कोई देखने भी नहीं आता, तो आप वो क्या करता है, हर किसी को छोड़कर वो आग बन करके सो जाती है। हम लोगों के पास रूप लिखा है ना इंडिफरेंस आई सो इज क्लोज, तो हर मेडिसिन को, हर व्यक्ति को रीजन होती है इंडिफरेंस में रहते हुए। ये जब क्लिनिक में आएगा कोई ना कोई आपको जरूर रीजन देगा, किस लिए वो डॉक्टर को दिखाता नहीं, किस लिए वो इतना बीमारी होने के बाद भी वो परेशान में नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, जब आप पूछेगा तो वो कोई ना कोई रीजन जरूर देगा, ठीक है। तो देखिए इंडिफरेंस कॉम्प्लेंस डज नॉट, मैंने जो पहले वीडियो दिया उसमें मैंने बताया हुआ कि देखा जाए तो एक बच्चा को बुखार आया बा कोई बड़ा आदमी को बुखार आया, वो चुपचाप पड़ा रहा, तो उसको पूछिए कोई ना कोई रीजन जरूर मिलेगा। देखा जाए तो वो उसको पूछने के बाद वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा पति तो मेरा पर ध्यान ही नहीं देता, बोलने से भी कोई सुनता ही नहीं, इसलिए मैं किसी को शिकायत नहीं करता, मैं चुपचाप पड़ा रहता हूँ, वो अपना आप ठीक हो जाएगा। क्या बताऊं, उन लोगों को बोलने से तो कोई फायदा नहीं होगा, मुझे तो डॉक्टर को दिखाएगा नहीं। ऐसे ही छोटे बच्चे का पूछिए तो वो छोटा बच्चा आपको जवाब देगा, जो वो बड़ा बड़ा गुलिया मुझे एक गले से उतराते नहीं,
वो बड़ा गोलियां मुझे अच्छे नहीं लगता, और डॉक्टर के पास जाओ जो इंजेक्शन दे दे, तो इसलिए मैं चुपचाप पड़ा रहा, कोई कंप्लेन नहीं। ठीक है, तो इंडिफरेंस में आप लोग कोई ना कोई रीजन वो पेशेंट ने दे देगा। ठीक है, अब फिबुलस में कोई रीजन नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, वो लाइट में रहती है, उसका फुलिश बिहेवियर होते है, गंभीरता से नहीं जाना सकता। तो ये पेशेंट भी आती है हम लोगों को क्लिनिक में, फिबुलस बंदा आके आप कुछ पूछिए तो कहेगा ओ डॉक्टर साहब क्या पूछना है, आप दीजिए ना दवा। ये भी इसको यही पता नहीं जो डॉक्टर को समझना पड़ेगा। डॉक्टर जो पूछ रहा है मैं अच्छी तरह से कहूँ तो डॉक्टर को दवा देने से बा अपना फायदा मिलेगा, ये भी उसको पता नहीं। ये कहेगा डॉक्टर साहब दीजिए ना जल्दी जल्दी, क्या सोचना है डॉक्टर साहब, घर में ही ऐसे ही रहेगा। ये फिबुलस बंदा ब्लाडोना को देखिए, ब्लाडोना इसको जो कोई कुछ कहेगा वो ही करेगा, क्रेडुलस में है। देखा जाए तो बहुत दिनों से वो सफर कर रहा है, तकलीफ हो रहा है। ठीक है, ये भी आती है क्लिनिक में, तो क्या होती है उसको कह रहा है और लोग जो तू पानी में सात डूब मारना, तेरा ये बुखार चला जाएगा, वो बंदा वही करेगा, ये नाइव पर्सन है। ठीक है, इसलिए फिबुलस बंदा इतना तकलीफ सहती हुए भी वो कोई डॉक्टर को नहीं दिखाता। ठीक है, ऑयल में रहती है, तो हर पेशेंट का हर रूब्रिक का कोई ना कोई अलग अलग रूप लेकर हम लोगों को पास आती है, ये समझना पड़ेगा। तो मैंने किया कहा फिबुलस में कोई रीजन नहीं, मैथमेटिक्स नहीं, वही वो मस्ती में रहेगा, कोई डॉक्टर को दिखाएगा नहीं। उसको भी घर वालों ने पकड़ के लेकर आता है, डॉक्टर साहब देखिए ना इतना खांसी हो रहा है बहुत दिनों से, तो अभी ये कोई नहीं कहता, इसको पूछिए जो तुम्हारा इतना खांसी हो रहा है क्यों नहीं आ रहा हो, क्यों दवाई नहीं लेती हो, ऐसे ही अपना ही अपना ठीक हो जाएगा। लेकिन इंडिफरेंस वाला को आप पूछिए, कोई ना कोई रीजन जरूर देगा, वो कहेगा मेरा बिजनेस बा घर वालों को माने बच्चे को देखने के लिए जो रुपया लगती है, मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, वो सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए मैं थोड़ी सी वेट कर रहा हूँ जो अपना हाथ ठीक हो जाए। ठीक है, इस तरह क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।